हेलो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो, न्यू इंजन या गाड़ी के बारे में जानकारी हम आपके लिए लेते आते हैं। BX3 का ये इंजन है, 407 पिकअप का। तो इसमें देखिए वाटर पंप सारा चीज़, इसमें सारा A to Z इस इंजन में सब चीज़ लगा हुआ। आप देख सकते हैं वाटर पंप लगा हुआ, पंप लगा हुआ, टाइपिट लगा हुआ, डीजल फिल्टर लगा हुआ, सारी चीज़ें आपको ये लगा हुआ कंप्लीट, एक पूरा इंजन ही कंप्लीट पैक दे रहे हैं आपको, दिखा रहे, ठीक है। ऑटोमीटर भी इसमें लगा हुआ है सेट। इसी तरह का इंजन जो है पूरी तरह गाड़ी में जो सेट मिलता है, ये BS3 है, BS3 का इंजन है। और ये BS4 में रोटरी पंप आया है, लेकिन टर्बो है। इधर आपका गियर क्लच प्लेट वगैरह सब लगता है। तो सारा चीज़ हम खोल के आपको दिखा रहे हैं कि BS3 का जो इंजन है वो खोलने के बाद कुछ इस टाइप से लगता है, इस टाइप से दिखता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर न्यू वीडियो एकदम मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये नई नई गाड़ी के बारे में जानकारी, इंजन के बारे में जानकारी और भी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या है। आपको मोबिल नापने के लिए बगल में दिया, इसमें 7.5 लीटर का मोबिल लगता है। और इसमें आपको डीजल फिल्टर देखिए इस टाइप का लगता है, घुमाने वाला सिस्टम इसमें घुमा लगता है। और देखिए आपका ये पंप है, ये रोटरी पंप नहीं दिया, बाकी BS4 में रोटरी पंप दिया है। तो रोटरी पंप में ज़्यादा खर्चा है, नॉर्मल पंप है यानी कि लंबा वाला पंप, तो उसमें कम खर्चा है, ठीक है। ऑटोनेटर देखता है, पैन बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें, उस पाइप वगैरह, टर्बो देखिए, टर्बो एकदम बढ़िया इंजन खोले हैं। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह का हम लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते हैं।